हर दोस्तों, मैं विनोद टच लाइव ब्यूटी चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ककोरा एक औषधिक फल है जिसका उपयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। यह एक अलग बात है कि अन्य सब्जियों के मुकाबले ककोरा आसानी से नहीं मिलता। इसके बावजूद पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इससे हमें कई बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है। इस औषधिक फल के फायदे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अधिक हैं। ककोरा कुकुरबिटेनियम परिवार से संबंधित है जिसकी वनस्पतिक नाम मोमोडिस्का डाइओका है। यह एक बेल है फलने वाले फूलों की जिसका व्याज रस 3 सेंटीमीटर होता है। इसकी वनस्पति पानी की बूंद की तरह होती है। इन फलों का रंग गहरा हरा होता है। जब यह फल पकता है तो हल्का पीला हो जाता है। इसके स्वाद हल्का कड़वा होता है। ककोरा को स्वस्थ भाषा में कंटोला भी कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों में आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने की काफ़ी अक्षमता होती है। कंटोला में कई कार्बोहाइड्रेटेड प्रोटीन, वसा, फाइबर और बहुत से खनिज तत्व पाए जाते हैं। अपने स्वाद के कारण कंटोला की सब्जी बहुत उपयोगी होती है। ककोरा का पर्याप्त मात्रा में सेवन करने से हमारे रक्त प्रवाह में होने वाली समस्या कम होती है और साथ ही दिल की जुड़ी समस्या भी दूर होती है। यह एक बरसाती मौसम में पाई जाने वाली सब्जी है जो मधुमेह रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है और साथ ही मधुमेह के इलाज के लिए सारक के स्तर को कम करने में मदद करती है। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए ककोरा का उपयोग कर सकते हैं। यह आँखों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाई जाती है जो आँखों की दृष्टि को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ककोरा के ताजे फलों में विटामिन बी अच्छी मात्रा में पाई जाती है जो एक विकास और प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के द्वारा ककोरा का नियमित रूप सेवन किया जाना जाता है तो यह तंत्रिका दोष के प्रभाव भी कम कर देती है क्योंकि 100 ग्राम ककोरा में 72 मिलीग्राम फोल्टेज मौजूद होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी लाभकारी होती है। यदि आप अधिक पसीने समस्या से परेशान हैं तो राहत पाने के लिए ककोरा के फल का उपयोग कर सकते हैं। आप इस समस्या से बचने के लिए फलों का सुखाकर पाउडर बना लें और बहते नहाने वाले वक्त में पानी में डालकर इसे स्नान करें। इससे आपके शरीर की दुर्गंध भी दूर हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ में ये बताएं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम।